सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। सुप्रीम कोर्ट च हुण 3 नवंबर नूं होवेगी बलवंत सिंह राजवाणा मामले की सुनवाई। फांसी की सजा उम्र कैद विच बदलन की कीती सी अपील। पटियाला दे पूर्वी पंजाब राज टाउनशिप विकास बोर्ड का पुनर्गठन, मुख्यमंत्री भगवंत मान बने चेयरमैन। बटाला पुलिस ने दो नामी गैंगस्टर लव ते नंदू समेत कुल 5 नौजवानों हथियारों समेत किया गिरफ्तार। वख-वख अपराधिक मामले सन लुड़ींदे। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। बलवंत सिंह राजवाणा दे मामले ते होण वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर तक टाल दिती है। इस मामले विच राजवाणा दे वकील ने सुप्रीम कोर्ट विच ये मांग कीती है कि साडी अपील ते वख तों सुनवाई कीती जावे। इस दे नाल ही उन्होंने यह भी मांग कीती है कि राजवाणा ने मामले ते जल्द फैसला लिया जावे। इस मामले दे विच श्रोमणी अकाली दल दे सुप्रीम कोर्ट विच सज़ा मुआफ़ी की पटीशन पाई सी। दस दिए कि बलवंत सिंह राजवाणा पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे कतलकांड का दोषी है। बलवंत सिंह राजवाणा ने अपनी फांसी की सजा नूं उम्र कैद विच बदलन की अपील की। पंजाब सरकार ने पटियाला ते पूर्वी पंजाब राज टाउनशिप विकास बोर्ड का पुनर्गठन करके मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं इसका चेयरमैन, जदों की माल मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा नूं सीनियर उप चेयरमैन नियुक्त किया। इस बारे जानकारी दिंदे एक सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि माल विभाग वालों जारी नोटिफिकेशन अनुसार पटियाला ते पूर्वी पंजाब राज टाउनशिप विकास बोर्ड के सारे अहुदेदारां ते मैंबरां दी नियुक्ति 3 सालां लई कीती गई है। पंजाब दे खुराक सिविल सप्लाई ते खपतकार मामले बारे मंत्री लालचंद कटारू चक वालों झोने की फसल की निर्विघन खरीद, चुकाई ते अदायगी आदि का जायजा लैण लई राज दे वख-वख खरीद केंद्रां दा दौरा किते जाण दी लड़ी दे चलदिआं जिला फिरोजपुर दे खरीद प्रबंधां दा जायजा लिया गया। इस मौके उन्हां दे नाल विधायक फिरोजपुर देहाती रजनीश दहिया, विधायक फिरोजपुर शहरी रणबीर सिंह भुल्लर, विधायक जीरा नरेश कटारिया ते डिप्टी कमिश्नर मैडम अमृत सिंह IAS भी खास तौर ते हाजिर सन। इस मौके दाणा मंडी फिरोजपुर विखे गलबात दौरान कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सूबा सरकार वालों इस सीजन विच झोने की निर्विघन खरीद, चुकाई ते समय सिर अदायगी करके मिसाल कायम की गई है। हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि पराली ना जलाई जाए और खास करके जिहड़ियां मशीनां 1.25 लाख मशीनां जिहड़ियां ने पराली दे गोल करने पिंडां च भेजियां ने उहदी वरतों करके जिहड़ा आ उह किसान पराली नूं जिहड़ा जलाउण तों बचावे। देखो यह पहली सरकार आई है जिन्हें लोगों की दिल खोल के जिहड़ी सपोर्ट की है। पंजाब के इतिहास के अंदर 7 महीने के पीरियड 600 यूनिट बिजली का बिना किसी जाति बंधन तो पंजाब के अंदर सब लोगों मिल रहा है। 300 करोड़ रुपया जो गन्ने का बकाया सरकारी मिलों वाले पास पिछलियां सरकारों का वह भी मान साहब की सरकार ने जो जारी किया। 20 रुपये गन्ने का रेट जो वधा के बहुत वड्डी जी पंजाब के अंदर सरकार ने दया दी दसी है। सो इस करके मतलब पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा जोड़ा लखा मुलाजमान प्रभावित करता सूँ बुढ़ापे की जी चिंता जी सरकार ने दूर की। सो वे हिस्टोरीकल जोड़े ऐलान जोड़े आ मान जो मुख्यमंत्री की अगुवाई के 7 महीनों के अंदर सरकार ने करके अमलीजामा पहनाया। श्री फतेहगढ़ साहब तो संसद मैंबर डॉक्टर अमर सिंह ने श्री फतेहगढ़ साहब सरहंद पीर जैन ते खमाणो दियां वख-वख दाणा मंडियां दा दौरा करके झोने दी चल रही खरीद प्रबंधां दा जायजा लिया। उन्हां किसानां आड़तियां ते मजदूरां नाल गलबात कीती। इस दौरान उन्हां नाल साबका विधायक कुलजीत सिंह नागरा भी मौजूद सन। सरहंद मंडी विखे पत्रकारां नाल गल करदे उन्हां कहा कि जिले विच झोने दी पैदावार विच भारी कमी आउण कारण इस साल किसान बुरी तरहां प्रभावित होए ने, जिस कारण किसानां दा भारी आर्थिक नुकसान होया। उन्हां कहा कि उह केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं मिलणगे ते किसानां दे होए नुकसान दा तुरंत मुआवजा देण लई सूबा सरकार कोल मामला उठाउणगे।
और बहुत चंगा लग्या तुहाडे सामने आ सारी प्रशासन हैगा और आड़ती है शैलर वाले आ छोटे मोटे इशूज होंगे वो सॉर्ट आउट हो गए और जो कोई मुद्दा होगा वो सब ये लोग सॉर्ट आउट करते हैं। पुलिस जिला बटाला वालों वख-वख जिलों में अपराधिक वारदातों नूं अंजाम देने वाले दो नामी गैंगस्टरां समेत कुल पांच गैंग मैंबरां नूं असले समेत गिरफ्तार करन दा दावा किया गया। उत्थे पुलिस जिला बटाला दे एसपी गुरप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दावा किया कि उन्हां वल्लों लव नंदू गैंग के नां नाल मशहूर दो गैंगस्टरां समेत उन्हां दे तीन साथियों नूं उन्हां दी स्पैशल पुलिस पार्टी ने गिरफ्तार किया। उत्थे एसपी गुरप्रीत सिंह ने दस्सिया कि लव ते नंदू वल्लों अपने पिंड देहड़ विखे पिंड की किसी निजी रंजिश नूं लैके जनवरी 2022 च सरपंच ते हमला किया गया सी ते फायरिंग की गई सी जिस विच सरपंच जख्मी होया सी ते सरपंच दा एक साथी दा इन्हां दोहां ने कतल किया सी ते दोवें उदों तों ही फरार चल रहे सन। बटाला पुलिस नूं इह लोड़ींदा सी ते उत्थे ही इस दे नाल ही पुलिस वल्लों दोवां गैंगस्टरां ते तिन उन्हां दे साथियों नूं इतलाह मिलन ते रेड करके पिंड पनवा थाणा फतेहगढ़ चूड़ियां तों गिरफ्तार किया। मानयोग SSP बटाला सरदार सतिंदर सिंह IPS उन्हां जी दे दिशा निर्देशों से बटाला पुलिस वालों अज स्पैशल ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन दे विच DSP फतेहगढ़ चूड़ियां DSP इंचार्ज CIA SHO फतेहगढ़ चूड़ियां ते साडी स्पैशल होर जिहड़ियां रेड पार्टीज तैयार कीतियां गईयां सी उन्हां वालों पिंड पनुआ दे विच एक स्पैशल ऑपरेशन दौरान जिहड़े दो गैंगस्टर ने ते उन्हां दे दो साथी ते एक उन्हां नूं पनाह देने वाले व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया गया ते उन्हां पासों नजायज़ असला ते एमुनेशन रिकवर किया गया है ते इन्हां नूं इन्हां दे खिलाफ FIR नंबर 112 1/11/2022 अंडर सैक्शन 212 216 ते आम एक्ट तहत थाना फतेहगढ़ चूड़ियां दे विच अज केस रजिस्टर किया गया। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। थाना गढ़शंकर पुलिस ने 265 ग्राम नशीले पाउडर समेत सोने के गहने और चांदी समेत एक व्यक्ति को काबू करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए SHO गढ़शंकर करनैल सिंह ने दसिया कि SSP होशियारपुर सरताज सिंह चाहल वालों नशिया खिलाफ विड़ी मुहिम के चलदियां थाना गढ़शंकर की पुलिस पार्टी पुल नहर रावलपिंडी के कोलों सुमित कुमार वासी वार्ड नंबर 2 गढ़शंकर काबू करके उस कोलों 265 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। पूछगिछ दौरान कथित दोषी सुमित ने मनिया है कि वह नशा करन दा आदी है ते नशे की पूर्ति करने लई चोरियां करता है। पुलिस ने दसिया कि आरोपी खिलाफ पहला भी चोरी के कई मामले दर्ज ने। पूरे पंजाब भर के नाल डेंगू के केसों के मामलों के तहत जिला फतेहगढ़ साहब भी डेंगू के केसों में वाधा होंदा देखने मिल रहा है जिसनों गंभीरता नाल लेंदे हुए सेहत विभाग वालों वड्डे पद्धर से लोगों को जागरूक करने के नाल नाल डेंगू तो बचने की अपील की जा रही है। सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहब विखे जिले में बढ़ रहे लगातार डेंगू के केसों को लेकर सेहत विभाग पूरी तरह चौकस हो गया जिथे सेहत विभाग वालों सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहब विखे डेंगू की स्पैशल वार्ड तैयार की गई है। उत्थे जागरूकता लैके स्कूलों के विद्यार्थियों रैलियां ते सेमिनार करवाउण दे नाल नाल डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहिब वल्लों मीटिंग करके नगर कौंसल दे समुचे अधिकारियों नूं हदायतां कीतियां गईआं ने कि शहर विच साफ सफाई दा पूरा प्रबंध कीता जावे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार दी हदायतों से झोने की फसल की खरीद लई प्रशासनिक पद्धर से किए गए प्रबंधों का जायजा लैण लई खुराक ते सिविल सप्लाई विभाग के प्रमुख सकत्तर राहुल भंडारी वालों संगरूर जिले की धूरी सब डिवीजन की अनाज मंडी का दौरा किया गया। अपने दौरे दौरान प्रमुख सकत्तर वालों संगरूर जिले दीआं मंडियां चल रहे झोने की खरीद के समुचे प्रबंधों से तसली प्रगटाई गई ते अधिकारियों नूं खरीद प्रक्रिया चालू रहण तक पूरी तरह मुस्तैद रहने की हदायत की गई। इस मौके प्रमुख सकत्तर वालों खरीद प्रक्रिया की समीक्षा लई डिप्टी कमिश्नर संगरूर जतिंदर जोरवाल सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अमित गुप्ता DFSC नरेंद्र सिंह जिला मंडी अफसर जसपाल सिंह समेत आड़ती एसोसीएशन के नुमाइंदियों के नाल भी मीटिंग की गई।
श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दिल्ली के प्रधान ते गुरुद्वारा राजौरी गार्डन सिंह सभा के प्रधान हरमनजीत सिंह ने 1984 के सिख कतलेआम पीड़ितों की याद में संगत को श्री जपजी साहब के पाठ करने की अपील की है। इस नाल ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के रेंदे पीड़ितों इंसाफ मिलने की आस बजी है। हरमनजीत सिंह वालों 1984 सिख कतलेआम के 38 साल पूरे होने राजौरी गार्डन की समूह साध संगत को अपील की है कि वध तो वध पाठ करके सिख कतलेआम च मारे गए लोगों को याद करते उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाए तो घट्टो घट एक जपजी साहब का पाठ संगत जरूर करे। हरमनजीत सिंह ने मोदी सरकार को अपील करते कहा कि 1984 सिख कतलेआम के सारे दोषियों की सजा यकीनी बनाई जाए तो सलाखा पिछे इन्होंने भेजा जाए। पटियाला नेड़े भुनर हेड़ी विखे चल रहे धरने विच उस वेले हंगामा हो गया जदों धरने ते बैठे लोगों ने पुलिस अफसर ते धक्केशाही दे इल्जाम लाए। उन्हां दा कहना सी कि पुलिस मुलाजम उन्हां दा नुकसान करके जबरी यह धरना चुकाउणा चाहुंदे ने, जिसकी जानकारी मिलदिआं पटियाला तो संसद मैंबर परनीत कौर धरने वाली थां ते पहुंचे ते उत्थे मौजूद लोगों नाल गलबात करके सारी स्थिति का जायजा लिया। धरने दौरान पटियाला तो संसद मैंबर परनीत कौर ने प्रशासन की अनुचित पक्षपाती कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। हिमाचल प्रदेश तो रेत अते पत्थर लेके जा रहे पांच टिप्परां नूं थाणा थलू दे निवासियां ने रोक के आनंदपुर साहब पुलिस दे हवाले कर दिता। इस संबंधी श्री आनंदपुर साहब दे थाणा मुखी इंस्पैक्टर सिमरनजीत सिंह ने दस्सिया कि पिंड थलू दे वासियां ने पांच टिप्पर फड़ के पुलिस नूं सूचित कीता है, जिस ते तुरंत कार्रवाई करदे उन्हां टिप्परां नूं कब्जे विच लै के माइनिंग विभाग की शिकायत ते केस दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इन्हां टिप्परां दे नंबरां तों जानकारी इकट्ठी करके इन्हां दे मालकां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। इस खबरों का सिलसिला इतनी समाप्त होंगे। नवी ताज़ा खबरों के फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दियो इजाजत, धन्यवाद।